गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम 12th क्लास का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करेंगे। एम है हमारा टू फाइंड द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ ए गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या डिफाइन करना हमें? रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। ठीक, इसके लिए हमें क्या क्या अपरेटस की जरूरत पड़ेगी? तो उसमें बैटरी या बैटरी एलिमिनेटर, एक मिलीमीटर करंट मेजर करने के लिए, एक वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ये रेजिस्टेंस है जिस रेजिस्टेंस का हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड करना है, एक रियोस्टेट और एक वन वेटी। और ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये भी देख लीजिए कैसे कनेक्ट करना है। बैटरी, ये आप बैटरी एलिमिनेटर या ये ड्राई सेल यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये पॉजिटिव यहाँ इंडिकेट होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव हम कनेक्ट करेंगे मिलीएमीटर के पॉजिटिव से। मिलीएमीटर पॉजिटिव यहाँ इंडिकेट भी है, और नहीं तो जहां पर रेड नोब है इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है। रेड नोब पॉजिटिव, ब्लैक नोब नेगेटिव। ठीक, तो हम उसको बैटरी का पॉजिटिव मिलीएमीटर के पॉजिटिव से, मिलीएमीटर का नेगेटिव वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव रियोस्टेट के एक टर्मिनल से, और दूसरा टर्मिनल की से पी की हेल्प से हम बैटरी के नेगेटिव में जोड़ते हैं। और वो रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड करना है उसे हम वोल्टमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वोल्टमीटर के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में हमने उसे पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम। ठीक, अब हमें थोड़े से थ्योरी के बाद समझना है कि किस थ्योरी के बेस पर हम सर्किट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड ऑफ रेजिस्टेंस वायर। तो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से आप देखिए कि प्रोपोर्शन का सिंपल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस R, तो V इक्वल टू R इनटू I, तो V अपॉन I इक्वल टू R। इसका मतलब यहां से एक चीज और समझनी है हमें कि यदि हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान रखें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसलिए कैसे ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का ही यूज करके हम वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन प्रूवन क्या क्या हमें चेक करना होगा, क्या नोट करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करेंगे और यहां से इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के बाद उस ग्राफ का जो स्लोप आया टेन थीटा वो हमारा क्या हुआ? रेजिस्टेंस। और हम ये अभी मैं बताता हूँ आपको परफॉर्म करके और दिखाता हूँ। हमें उस वायर की लेंथ भी मेजर करनी पड़ेगी जिस वायर को हमने यूज किया है। ठीक, मेजर करेंगे आपके सामने, फिर दोबारा से लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो हम परफॉर्म करेंगे और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, हम रेडी हैं परफॉर्म करने के लिए। और जैसा आप देख पा रहे हो हमने कनेक्शन जोड़ा हुआ है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ फटाफट से, और फिर उसके बाद में हम रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए ये बैटरी एलिमिनेटर, बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव
एमीटर के पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव, वोल्टमीटर के पॉजिटिव से, इसका वोल्टमीटर का नेगेटिव, रियोस्टेट के देखिए यहाँ पर थ्री टर्मिनल हैं, एक ऊपर वाला है और दो नीचे हैं, तो आपको एक तो ऊपर वाला यूज करना है और नीचे वाले में से किसी एक को यूज करना है, ठीक। उसके बाद हमारी बंदे की ऑन ऑफ करने के लिए, और ये फिर वापस की के हेल्प से नेगेटिव में आ गया, तो हमारा सर्किट कंप्लीट है। चलिए तो हमें क्या नोट करना होगा, रीडिंग आउट करनी है, तो हमने टेबल बना ली है, देख सकते हैं आप, जैसे सीरियल नंबर, करंट मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, मिली वोल्ट में मिली, ठीक। तो हम क्या करें, हमने आप देख रहे होंगे कुछ नोट भी किया हुआ है, वो इसलिए कि आपको परफॉर्म कराते समय आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक। ऑन करते हैं, यहाँ से आपको इसकी समझनी है, रियोस्टेट में आपको सबसे पहले ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मूव करता है, इसको आपको राइट में रखना है जहाँ आपने ऊपर वाला टर्मिनल जॉइन किया है। उसके बाद यहाँ से हम धीरे धीरे मूव करेंगे और जहाँ पर इनके पॉइंटर, वोल्टमीटर और एमीटर के पॉइंटर एग्जैक्ट डिवीजन पर होंगे वहाँ पर हमें रीडिंग लेनी है। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए ये एमीटर, मिली एमीटर, इसकी हमें रीडिंग लेने से पहले लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ इसकी रेंज कितनी है, लास्ट में लिखा हुआ है 500, इसका मतलब है कि इस एमीटर की, मिली एमीटर की रेंज 500 मिली एम्पियर है, ठीक है। अब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, लीस्ट काउंट निकालने का मतलब ये है कि हम ये मेजर करना चाहते हैं कि इस एपरेटस से हम कम से कम कितना एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, जीरो या लिखा हुआ 100, जीरो और 100 का डिफरेंस करो, किसी भी दो लगा इन कंटिन्यूटी में किसी भी दो का डिफरेंस कर दीजिए और उन दोनों के बीच में जितनी डिवीजन है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, 0 100 डिफरेंस करोगे 100, दोनों के बीच में डिवीजन कितनी है 10, 100 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ इसकी लिस्ट काउंट हो गई 10 मिली एम्पियर। वैसे ही सेम रेंज का यदि मिली वोल्ट मीटर है जैसा कि हमने यूज किया है तो उसकी लिस्ट काउंट कितनी हो जाएगी 10 मिली वोल्ट, ठीक है। चलो अब मैंने इसको धीरे धीरे मूव करूँगा और मूव करने के बाद इन दोनों की रीडिंग पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैंने वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर की नोब को 40 पे कर दिया, ठीक, 40 मिली वोल्ट आप देख सकते हैं। तो देखिए ये 40 मिली, जब ये 40 पर है तो हम ये देख रहे हैं, ठीक सामने से पढ़ना होता रीडिंग को, तो यहाँ देख रहे हैं कि मिली एम्पियर में जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 100, यानी कि मैंने जैसे नोट किया हुआ था पहले परफॉर्म किया था वैसे ही, तो 40 मिली वोल्ट पर करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पियर। चलिए इसके बाद में हम थोड़ा सा इसे बढ़ाते हैं और इसे कर लेते हैं 60 पर, 60, और यहाँ आप देख सकते हैं तो ये रीडिंग है आपकी 160, ये 150। यदि आपने एक भी पॉइंटर को सही से नहीं करा तो रीडिंग सही नहीं आई। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रीडिंग, देखिए ये रीडिंग आपकी कितनी आ रही है, देखो 150, और वो मैंने किया था कितने पर, 60 पर, ठीक है। चलो तो ये हमारी दो रीडिंग हो गई। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा रियोस्टेट को आगे मूव करते हैं और से करता हूँ मैं 80 पर। जब मैंने ये 80 पर कर दिया, वोल्टमीटर की वैल्यू कितनी हो गई 80, ये एग्जैक्ट 80 पर है,
तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर इसकी वैल्यू हो गई 1 से काम करना होता है, एक में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां देखिए 210, ये 210 ये हमारी रीडिंग। उसके बाद इसे करता हूं मैं रियोस्टेट को 100, आसान है, कोई मुश्किल चीजें नहीं है, ध्यान से काम कीजिए। यह आएगी हमारी 100, तो यहां पे देखिए 260 100, और इधर हमारा 260 आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं, चलिए उसके बाद लास्ट रीडिंग रह गई हमारी 120 करने पर ये वैल्यू आ गई आपकी 330। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू मैंने पहले निकाली थी, सेम टू सेम वही रीडिंग आ रही है। इससे अब क्या होगा, अब क्योंकि मैंने ये पहले निकाली हुई थी तो मैं आपको ग्राफ भी बनाया हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक, अब देखिए जो रीडिंग हमने लिखी है आप एक बार चाहें तो चेक कर लें। ये वोल्टमीटर है मिली वोल्ट में, ये हमारा मिली एम्पियर की रीडिंग। अब ये देखिए ग्राफ बनाया, एच एक्सिस पर हमें लेना है ये आपका एक्स एक्सिस पर हमें लेना है करंट, और वाई एक्सिस पर लिया हमने वोल्टेज। हमने यहाँ पर डिवीजन बनाई है आसानी से ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, हमें देख समझना होगा कि कहाँ तक है। ये देखिए करंट की वैल्यू हमारी 330 तक जा रही है 100 से लेकर, तो हमने इसको आसानी से बनाने के लिए 20, आप कुछ और भी स्केल ले सकते हैं, 20, 40, 60, 80, ये 340 तक आ गया क्योंकि हमें 330 तक चाहिए था, 340। इधर हमने 20 सेम जिधर जैसे स्केल इधर यूज किया वैसे स्केल इधर यूज किया है, और ये हमारा 140 था। अब हम 40 जब हमारे करंट की वैल्यू 100 तो हमने ये देखो 40 पर पॉइंट लगा लिया। उसके बाद 60 पर 150 पर ये 60, फिर 210 ये 220 बीच में 210 और इस पर वैल्यू 80, 260 का ये 260 से ऊपर चले 100 पर ये पॉइंट लगा दिया। ये आपको मालूम है कैसे ग्राफ बना इन। अब यहाँ से ओरिजिन से हमें स्केल इस तरह से रखना है कि एक तो ओरिजिन से पास होना चाहिए ग्राफ, तो ओरिजिन पर रखें स्केल, और स्केल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि मैक्सिमम पॉइंट हमारी उस लाइन पर आ जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम पोजीशन है ऐसी ग्राफ की जिस पर मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं। ठीक, ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर आप कोई भी एक ट्रायंगल बना सकते हैं, मैंने जीरो ले लिया है, ओ ए बी यहाँ पर इस तरह से बना लिया। आप कोई और पॉइंट लेकर भी बना सकते हैं जो लाइन पर हो, ऐसा नहीं जैसे ये पॉइंट अलग है तो यहाँ से नहीं ले सकते, जैसे ये पॉइंट पर है ये पॉइंट पर है, यहाँ से इन दोनों का ट्रायंगल बना सकते थे तो हमारा आंसर सेम आता है। चलिए आगे बढ़ें, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो ये कैसे निकालेंगे, स्लोप से। मैं जैसे पहले आपको बताया स्लोप ये थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 10 थीटा निकालेंगे तो ए बी अपॉन ओ ए, तो ये स्लोप आप देख रहे थे, तो स्लोप से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में तो स्लोप कैसे निकला, ए बी अपॉन ओ ए, तो ए बी की वैल्यू है 100, ए बी की वैल्यू 100 और ओ ए की वैल्यू यहाँ से ओ से लेके ये आ गई 260,
दोनों डिवाइड करोगे, डिवाइड करने से 0.38 ओम रेजिस्टेंस आ गया। उस वायर की लेंथ हम मेजर कर देता हूँ एक बार, ये वायर की वायर मैंने निकाला हुआ है, इसमें जितना वायर हम इसमें लपेट देते हैं उसको छोड़ देना है, बाकी बाहर वायर का जितना वायर है उसको उसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो यह है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर 0.38 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइड कर दोगे, आपका उस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।